बुकलेट ओपन करो, पेज नंबर 165, 165। देखो पेज नंबर 165 इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ये पूरा चैप्टर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का, इसमें दो मशीन्स हैं जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में, हालांकि मैंने दो और डाली हुई हैं वो कई बार कंपटीशन में आ जाती है, दो मशीन्स आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है, पहली एसी डायनमो या एसी जनरेटर ये रही, और दूसरी ट्रांसफॉर्मर। ऐसा कोई पेपर नहीं बना आज तक बोर्ड का या स्कूल का जिसमें एसी डायनमो या ट्रांसफॉर्मर में से एक चीज ना आए। 99% चांस है कि पक्का इसमें से आएगा, और बोर्ड में तो पक्का ही आएगा, या तो डायरेक्टली आ जाएगा एक्सप्लेन एसी डायनमो या ट्रांसफॉर्मर, अगर नहीं आएगा तो इनके न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। तो आज हम इसको आधे चैप्टर को तो अभी क्लोज कर ही देंगे, बचा हुआ आधा नेक्स्ट टाइम कर देंगे। तो आपका ए चैप्टर के साथ ईएमआई के साथ सी चैप्टर फ्री में कवर होगा, मतलब साथ साथ कवर हो जाएगा, एक ही बात है। ठीक, तो कहने का मतलब कि आपका साथ साथ कवर होगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ए के साथ सी चला गया, और फिर बी जो है एसी वो इजी चैप्टर है, एसी जल्दी कवर होता है। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में सबसे पहले करेंगे एसी डायनमो, ध्यान से आगे देखो, एसी डायनमो या जनरेटर एक ही बात है, एसी डायनमो या जनरेटर सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे, लिखना लिखने का स्टाइल भी यही रहेगा, इट इज अ मशीन विच प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग वर्ड जरूरी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल क्यों? क्योंकि बीच में वो कॉइल घूमेगा, कॉइल अपने आप में घूमेगा, कॉइल को घुमाना पड़ेगा, या तो तुम जाके घुमाओ या फिर आप एक काम करो, पानी गेरो डैम से तो
टर्बाइन के ऊपर घूमेगा और ब्लेड्स के ऊपर घूमेगा तो कॉइल अपने आप घूमेगी, तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज व्हेनेवर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, जब फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें क्या जनरेट हो जाती है, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, एंड वो कब तक रहती है, जब तक उसका फ्लक्स चेंज होगा। तो लिख लोगे प्रिंसिपल भी। फिर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में आपने चार चीजों के नाम जरूर लिखने हैं, कि एक लाइन एक्सप्लेन कर देना। डायनमो के अंदर एक कॉइल लगानी है, आर्मेचर बोलते हैं, कॉइल को आर्मेचर बोलते हैं, ठीक। दूसरा फील्ड मैग्नेट्स, मैग्नेट के बीच में स्लिप रिंग, स्लिप क्यों कहते हैं बताऊंगा, इसके ऊपर वायर स्लिप होती है। और लास्ट ब्रशेस, ये मेटल के ब्रशेस हैं, चार नाम लिखने हैं। फिर आपने इसके दोनों डायग्राम ड्रॉ करने हैं पेपर में, ए और बी डायग्राम, दोनों के दोनों, ठीक। विद क्लियर है, डायग्राम ड्रॉ करने हैं। डायग्राम जरा ध्यान से देख लेते हैं, क्या है डायग्राम, देखो इस डायग्राम के अंदर आगे देखो, देखो इस डायग्राम के अंदर क्या करना है आपको, इसके अंदर सबसे पहले कॉइल ली आपने, इसमें जरा वायर को देख लेना प्लीज, वायरिंग कैसे की ध्यान से देखो, ध्यान आगे प्लीज। ये वायर ऊपर से घूमती हुई नीचे आई, इधर आई, इंपॉर्टेंट है, नीचे आई, ये वायर इस रिंग को नहीं टच कर रही, इसके बीच में से आई और इसके साथ अटैच्ड है रिंग के साथ। फिर ये ब्रश से एक वायर निकली यहां से होती हुई यहां पे, और फिर ये वाली जो ऊपर से वायर आ रही थी वो इस रिंग के साथ अटैच्ड है, तो ये वाली वायर इस रिंग के साथ अटैच्ड है, ये वाली वायर इस रिंग के साथ अटैच्ड है, ठीक है यहां तक। दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान से, सपोज आपके पास एक आर्मेचर है, ये आर्मेचर, और लेट अस सपोज इसके ऊपर वायर है, ये नीचे के है ऐसे लिपटी हुई है, तो ये एक वायर है, ये एक वायर, ठीक। अभी बांधूंगा नीचे रिंग के साथ, पर ये यहां से घूम के आ रही है। बस ये ध्यान से देख लेना कि जब ये आर्मेचर घूमेगा, ये जो कॉइल घूमेगी, तो ये वाली वायर भी साथ ही घूमेगी, तो पहले ये यहां है, अब ये यहां गई, साथ ही जाएगी, जैसे पंखा है, पंखे के साथ एक वायर लटका दो, साथ ही घूमेगी, बिल्कुल सेम, तो साथ घूमेगी, और जब ये घूमेगी साथ साथ, तो ये हवा में नहीं घूमेगी, आर्मेचर पे कॉइल, आर्मेचर घूम रहा है ऊपर से ऐसे, तो नीचे से कॉइल भी ऐसे घूम रही है सर्कल में, तो आपने जो कॉइल है, ये जो या जो वायर है, इसका एक एंड नीचे रिंग है, एक रिंग के साथ अटैच कर देना है। अब ऊपर से आर्मेचर घूमेगा, नीचे से रिंग के ऊपर वायर घूमेगी, ऐसे घूम, स्लिप हो रही है ऐसे, तो ऊपर अब कॉइल समझ रहे हो, ऊपर कॉइल है, ऊपर कॉइल घूम रही है, नीचे से ये वायर है, वायर घूम रही है, ठीक है यहां तक, इमेजिन कर पा रहे हो इसे, ठीक। तो इसके अंदर ये देखो, ये वायर है जिसके साथ अटैच्ड है, जिसके साथ घूम सकती है, फिक्स नहीं है, मूवेबल है। कैसे मूवेबल है, ये देखो, ये आर्मेचर है, घूम रहा है, और आर्मेचर जब घूम रहा है तो ये देखो, ये रही, इसके ऊपर ये स्लिप करती रहती है, और ऐसी ये वाली वायर भी अंदर कहीं कनेक्टेड है, इसके साथ ये स्लिप करती रहेगी, मतलब एक पॉइंट फिक्स नहीं है, घूमती रहेगी, हाँ घूमेगी, मतलब पूरी इंजीनियरिंग लगा रखी, वो कैसे नहीं, बस बना लिया ये तो, अब जिन्होंने बनाना है, ठीक। तो हम तो ये लेके चलेंगे कि इस तरीके से ये घूमती है, अब शुरू करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखो, ए बी पोर्शन वायर का यहां है और सी डी राइट है, वायर घूम गई 180, तो ए बी पोर्शन जो लेफ्ट पे है, तो ए बी पोर्शन कहां पर आ गया, राइट पे, सी डी पोर्शन जो राइट पे वो कहां पर आ गया, लेफ्ट पे, ठीक हो गया, यानी कि घूम गई। वायर की पोजीशन भी चेक कर लो, इसकी जो ए बी पोर्शन की वायर थी वो पहले लेफ्ट पे थी, घूम के कहां पर आ जाएगी, ए बी पोर्शन की वायर राइट पे, ए बी पोर्शन राइट पे,
और सीडी पोर्शन की वायर कहां पर थी? राइट पे, तो घूमेगी इस तरफ आएगी तो कहां पर आ जाएगी? लेफ्ट पे। पोजीशन देख रहे हो वायर्स की, यही तो इंपॉर्टेंट है इसमें कि क्या इंजीनियरिंग कर रखी है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? अब शुरू करते हैं। इसमें करेक्शन कर लेना, ये एरो ऐसे है, इसको ऑपोजिट करो, ऐसे है, उल्टा है, दोनों डायग्राम में, दोनों में ये एरो उल्टा बनेगा, बोर्ड के अंदर बनेगा, इधर मतलब ये एरो उल्टा करो, डायरेक्शन उल्टी है। करें स्टार्ट। देखो, सपोज ए बी पोर्शन कहां जा रहा है? बोर्ड के इनसाइड। मैंने एरो उल्टा करवाया ना, इनसाइड, तो ए बी पोर्शन इनसाइड, सी डी पोर्शन आउटसाइड, तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। बी कैसे है? नॉर्थ से साउथ। कंडक्टर कैसे जाएगा? बोर्ड के इनसाइड। बी कैसे है? नॉर्थ से साउथ। कंडक्टर कैसे जाएगा? बोर्ड के इनसाइड। तो इंड्यूस करंट कहां होगा? ऊपर। तो ठीक है, ऊपर आ गया। इसमें लगा लो, ये कंडक्टर कहां आ रहा है? बाहर। बी तो ऐसे ही है, ये बाहर आ रहा है, तो करंट कैसे प्रोड्यूस होगा? डाउन। ठीक है यहां तक? तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन समझ में आई। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान से देखना है आपने। ये करंट ऊपर आया, करंट इधर गया, इस वायर में देखो नीचे आया, इधर ध्यान से, इस वायर में नीचे आया, इस वायर में नीचे, ये तो इसके साथ अटैच्ड ही नहीं है, तो नीचे चला गया। तो ये वाला करंट किस रिंग में गया? सेकंड रिंग में। ब्रश क्या करेगा? मेटल का रिंग के साथ अटैच्ड है, जो भी करंट यहां आएगा ब्रश बाहर निकालेगा, आपके रेजिस्टर आर को देगा, फिर करंट वापस जाएगा, ये ब्रश इसको रिंग नंबर वन में डाल देगा जिसके साथ ये वायर अटैच्ड है, और करंट वापस चला गया, लूप कंप्लीट हो गया। रिपीट कर रहा हूं, करंट आया, इसमें गया, रिंग नंबर टू में गया, घूमा, रिंग नंबर वन से होता हुआ यहां चला गया। ठीक, डायरेक्शन क्लियर है? फिर देखो, क्लियर है? फिर देखो, अब ये वाला पोर्शन अंदर जाएगा, ये वाला बाहर आएगा, जब ये इनसाइड जाएगा वही फ्लेमिंग का रूल, करंट फिर से कैसे होगा? सेम ऐसे ही। तो फिर करंट ऐसे आया, अब इंपॉर्टेंट है, इस बार ये वाली वायर रिंग नंबर वन के साथ पहले अटैच्ड है, क्योंकि ये ए बी पोर्शन रिंग नंबर वन का है, तो ए बी पोर्शन पहले रिंग नंबर वन का है, तो इसमें करंट पहले किसमें गया था? सी डी वाली रिंग नंबर टू में। इसमें अब कहां जाएगा? यहां से होता हुआ इस रिंग में जाएगा, ये रिंग इसको बाहर निकाल देगी, यहां से ये रिंग में एंटर करेगा और इस वायर के थ्रू वापस चला जाएगा। ठीक, फिर देखो, ये आया, अब ए बी पोर्शन रिंग नंबर वन के साथ अटैच, तो अब रिंग नंबर वन में करंट गया, ब्रश ने बाहर निकाल के सेकंड ब्रश को दिया, इसने इस रिंग को दिया, इस रिंग ने वापस सर्किट कंप्लीट कर दिया। इंपॉर्टेंट, आधे साइकिल में करंट लेफ्ट होगा तो आधे में राइट होगा। देखो बाहर निकलते हुए ऐसा हो रहा है ना, एक बार ऐसे जा रहा है और एक बार ऐसे आ रहा है, और यही तो होता है इसी करंट, एक बार डायरेक्शन राइट, एक बार लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? डायरेक्शंस क्लियर है? अब इसके अंदर ये डायग्राम आपने ड्रॉ करने हैं। ये आउटपुट रेजिस्टेंस है या लोड रेजिस्टेंस है? आउटपुट या लोड रेजिस्टेंस, इसका मतलब जब करंट जनरेट हो गया, बाहर आ गया, हम अपने घरों तक बिजली लेके आएंगे, इसके साथ पैरल में लगा, जैसे बल्ब ऑन करना है, इसमें वोल्टेज डेवलप हो ही गई वी, तो बल्ब पैरल में लगा दो, तो सेम आपका बल्ब को भी सेम वी मिल गया। मैं कह रहा हूं पैरल क्या, पूरा स्टेट लगा दो, पूरा हरियाणा पंजाब स्टेट जो लगाना है लगाओ, सबके घर में वी सेम होता जाएगा, यही तो लॉजिक है, सबके घर वी पैरल में होते जाते हैं, हर इक्विपमेंट वी पैरल में होता जाता है, जो वोल्टेज यहाँ डेवलप होती है वही सबको मिलती जाती है। आपको कि कम भी तो हो जाती होगी, इतने लोग यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए एक मशीन यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मर, अगर कम हो जाती है तो ट्रांसफॉर्मर उसको अप कर देता है, फिर पैरल में लगा देते हैं, तो हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। बट एक बार तो बिजली बाहर आई गई, वोल्टेज कैसे बाहर आई समझ में आ रहा है? हम वोल्टेज की फॉर्म में बिजली को बाहर निकालते हैं, करंट नहीं निकालते, करंट तो जाने देते हैं, वोल्टेज पैरल में बाहर आ जाती है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद लिखना है मैथमेटिकल वर्किंग, ये साथ लिखनी है मैथमेटिकल वर्किंग। देखो देखो, मैथमेटिकल वर्किंग के अंदर क्या करना है, जो अभी मैंने हैंड रिटन शीट में करवाया था ना,
जब एक आर्मेचर जब क्वाइल घूमती है तो उसमें फ्लक्स बोलो क्या होता है, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, वही जो अभी शीट में लिख रहे थे, सेम प्रूफ है, कॉपी पेस्ट ही किया हुआ है। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, माइनस डी फाई बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस ओमेगा टी इज माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, माइनस माइनस प्लस सेम, मैक्सिमम ईएमएफ की जगह ई नॉट, करंट जनरेटेड क्या होगा ई बाय आर, ई की जगह ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर, मैक्सिमम ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहां तक करके आना है और ये डायग्राम में ड्रॉ करके आना है साथ में, ये शो करते हुए कि करंट इसमें साइनोसाइडल वेव बनाते हैं, यहां तक हो जाएगा, तीन नंबर में आएगा ये। कोई डाउट इसमें? वापस 81 नंबर शीट पे, टाइम गैप साथ हो भी गए कुछ ठीक, सॉरी शीट नंबर 81 गलती।